जम्मू कश्मीर का सबसे चर्चित स्कैम जो है, जो चर्चाओं में स्कैम है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है जेके पीएसआई का स्कैम ही नहीं, उसके साथ जो दो और पेपर हुए थे वो भी रद्द हो चुके। लेकिन जेके पीएसआई में जो है एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। आप लोग भी कब से इंतजार कर रहे हैं, वो बच्चों के आंखों से आंसू आए थे जब उन्होंने कहा था हमारे साथ जो है विश्वासघात हुआ है, हमारी तो कोई गलती भी नहीं थी, जो स्कैमर्स है उन्हें पकड़कर बाहर निकाला जाए। तब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो है हर एक को ये विश्वास दिलाया कि चाहे वो कोई भी हो, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। तो उसी से जुड़ा हुआ एक अपडेट है आपके सामने जो है हाजिर करते हैं, यानी बख्शा कोई भी नहीं जाएगा। ये आपको बता दे, जिस तरह से आप जानते हैं कि जेके पीएसआई का जो एग्जाम हुआ था उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने, जो सीबीआई की इंक्वायरी थी उसके बाद में जो है वो रद्द कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें, परीक्षा में यानी पेपर लीक मामले में क्या एक अपडेट आई है वो आपसे शेयर करते हैं। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जम्मू ने आरोपी, जहां पर बात करते हैं कमांडेंट डॉक्टर करनैल सिंह को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। डॉक्टर करनैल सिंह बीएसएफ मुख्यालय पलोड़ा में सीएमओ के पद पर काम कर रहे थे। 18 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और 28 अक्टूबर को आरोपी को आज तक के लिए पुलिस रिमांड पर जो है वो भेज दिया गया है। आज सीबीआई ने आरोपी की 15 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए कोर्ट में अर्जी दी है और गौर करने के बाद कोर्ट ने आरोपी को 15 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रखा है, यानी अब उन्हें 15 तारीख तक सेंट्रल जेल अम्फला में जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। साफ तौर पर ये कहना जो है मतलब है, तो लोग यहाँ पर समझ लें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो किसी भी करप्ट आदमी को जो है वो बख्शने नहीं वाले। और यहाँ पर ये बता दें कि जो डॉक्टर करनैल सिंह थे उन्हें पकड़ा गया था और आज उन्हें जो है वो न्याय हिरासत में भेज दिया गया है। इंक्वायरी जो है वो अभी भी चल रही है। आरोपी को जिला जेल अम्फला जो है वो भेजा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को जिला जेल अम्फला में रखा जाए और न्याय हिरासत अवधि समाप्त होने पर उसे पेश किया जाएगा, यानी 15 नवंबर के बाद सीधा उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने सब इंस्पेक्टर के जो रद्द हुआ था पेपर, उसी में जो है जेएनके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने परीक्षाएं करवाई थी। आप सब लोग जानते हैं जेकेएसएसबी ने परीक्षाएं करवाई थी, जिस परीक्षा को जो है वो रद्द कर दिया गया है। और ये आपको मेन बात बताते हैं कि उनके घर पर जो है क्या हुआ। डॉक्टर करनैल सिंह के घर पर अजय कुमार जगदीश शर्मा से जहां पर परीक्षा वाले दिन भी संपर्क में रहा, जहां से ये खुलासा हुआ है कि इन उम्मीदवारों को डॉक्टर करनैल सिंह के घर पर पत्र दिए गए थे, यानी डॉक्टर करनैल सिंह के घर पर जो ये सोर्सेज हमारे पास है, तीन जो है यहां पर पेपर हुए थे। डॉक्टर करनैल सिंह जगदीश शर्मा व विजय कुमार से लगातार संपर्क में थे और परीक्षा के एक दिन पूर्व 25 मार्च को वो एसएसबी के कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अशोक कुमार को तीन बार फोन किया और इसी दिन आरोपी एसएसआरबीआई कार्यालय में भी गया। सीबीआई जांच के अनुसार उम्मीदवार शुभम काला की ओएमआर शीट पर, अपडेटेड शीट पर हस्ताक्षर भी अलग है, यानी यहां पर नाम भी बाहर आए हैं। आप सुनिए नाम, शुभम काला ओएमआर शीट पर जो है उनकी शीट पर हस्ताक्षर भी अलग है। इतना ही नहीं, आरोपी डॉक्टर करनैल सिंह ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने मोबाइल फोन का डाटा डिलीट करने के साथ घर में लगे सीसीटीवी के डाटा से भी छेड़छाड़ की है, लिहाजा पूरे मामले की जानकारी अभी भी चल रही है और आरोपी की अहम भूमिका क्या रही उस पर भी जो है वो चर्चाएं चल रही है। यानी डॉक्टर करनैल सिंह ने ये जो बड़ा स्कैम है अपने बेटे के साथ मिलकर किया, तीन जो है परीक्षाएं उनके घर पर भी हुई, उस शीट पर जो है वो अलग से हस्ताक्षर थे और स्टार्टिंग से ही ये बाहर निकल कर आया था कि बच्चों की ओएमआर शीट पर जो है वो अलग से हस्ताक्षर थे, जो वहां पर इंजीनियर के नहीं थे। ये एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है और भी जो है मगरमच्छ बाहर आएंगे, लेकिन अभी तक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो है अभी तक की जांच में जो निकल कर आया है वो अब तक रखा है। 15 तारीख को जो है इन्हें कोर्ट पेश किया जाएगा, अभी तक के लिए इन्हें सेंट्रल जेल अम्फला में रखा जाएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिक खान का तलाब।